also, you should record reasons. Then what we are saying is, in 41A, the word is may, we are now changing it to shall. I'll read to you the original 41A, and I will read to you the revised 41A. The original 41A says, the police officer may, in all cases where the arrest of a person is not required, issue a notice to the person. Not arresting, issue a notice. Now we are saying, the police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required, issue a notice. So I think that is also consequential and a very relevant amendment. The last amendment that we are making is in respect of adding a clause, sub-clause 4, where it says, where such person at any time fails to comply with the terms of the notice that is already there, or is unwilling to identify himself, the police officer may arrest him. That is, after notice is issued to a person, either he does not comply with the terms of the notice, or he comes but says, I won't say who I am, I won't identify myself, then the police officer may arrest him. These are the three amendments which the Law Commission recommended. The Standing Committee has unanimously supported it. I request honourable members to support the amendments. Thank you. Shri Nishikant Dubey. यहाँ से बोल रहा हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। ये 146वां स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है। माननीय वेंकैया नायडू जी का ये रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं और उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में इसको पास किया है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। छोटा अमेंडमेंट है जिसके बारे में मंत्री जी ने बताया है लेकिन महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है और एक संस्कृत का श्लोक है राज द्वारे शमशाने जो यस तिष्ठति सौ बांध दुख में और सुख में जो खड़ा होता है राज द्वार में और श्मशान में जो खड़ा होता है वही आपका दोस्त है वही आपका भाई है तो पुलिस जो है वो हमेशा यदि हम चैन से सोते हैं तो पुलिस हमारे साथ होती है यदि हम कहीं रोड पर मूव करते हैं तो पुलिस हमारे साथ होती है हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पुलिस हमारे साथ होती है इसीलिए वेद के हिसाब से संस्कृत के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बहुत ही अमेंडमेंट है और हम इसका तहे दिल से समर्थन करते हैं एक श्लोक है मैं पार्लियामेंट में 14 महीने हुए हैं मैं बहुत ही नया हूं और जिनके सामने मैं बिल के लिए खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए वो बहुत ही इमिनेंट लॉयर हैं कल इनका भाषण मैंने सुना और इन्होंने जो कुछ भी बोला मैं इनके भाषण का कायल भी हूं देश भी कायल है अच्छे एबल होम मिनिस्टर हैं लेकिन एक जीवन रहस्य है जब हम पैदा होते हैं तो रोते हैं व्यक्ति रोता है जो पैदा होता है और जब हम मरते हैं तो दूसरे व्यक्ति रोते हैं दोनों समय मरना होता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इन दोनों रोने के बीच की जो कड़ी है हंसना इसमें कितनी जिंदगी हम बांट रहे हैं कितने लोगों को खुशियां दे रहे हैं और इस पार्लियामेंट में भी हम आए हैं तो आम जनता के लिए आए हैं और यही हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मूल उद्देश्य है लेकिन मैं जब से यह बात सुन रहा हूं 14 महीने से तो मैं खुद ही परेशान होता हूं कि हम क्या कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक हमेशा बोला करते थे कि हम शास्त्रार्थ से किसी आदमी को परास्त तो कर सकते हैं उसको अपना नहीं बना सकते और इस पार्लियामेंट में केवल शास्त्रार्थ चलता है बाहर क्या लोग कह रहे हैं लोग हमारे ऊपर कितना हंस रहे हैं सारे चीजों की मौकरी है प्राइस राइज पर डिस्कशन हो रहा था उसने अपना डिरेलमेंट हो गया उसने अपनी गति खो दी सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन हो रहा था उस पर हम हंसी के पात्र बन गए हम जिन जिन विषयों पर डिस्कशन कर रहे हैं यदि हम न्यूक्लियर बिल पर कर रहे हैं डिस्कशन तो आपका क्या है अपोजिशन के बारे में जो आपकी पार्टी है जो सरकारी पार्टी है वो एक गाने के तौर पर हमको लेती है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना आप इसी उद्देश्य से चलते हैं और हमेशा हमारे वेद ने पुराण ने लोकत्ति ने सुक्तियों ने
क्या कहा? कहा यह है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं। हम कहेंगे, और आप जो है, हमेशा कहा जाता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आपको फलदार वृक्ष की तरह होना चाहिए, आपको झुकना चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन पूरे डिस्कशन में मैं पाता हूं कि आप में इस चीज की कमी। इसीलिए जब इन चीजों का आप जवाब देने उठेंगे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, देश के बारे में सोचिए, उस गरीब आदमी के बारे में सोचिए, लोगों को हंसी और खुशी कैसे दे सकते हैं इसके बारे में सोचिए। इसके पहले ये अमेंडमेंट सही है, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन इसके पहले 10 अमेंडमेंट आप कर चुके हैं और ये 11वां अमेंडमेंट है। सीआरपीसी में 10 अमेंडमेंट इसके पहले भी हो चुके हैं 1973 के बाद से, और ये 11वां अमेंडमेंट है। और 111वीं जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और 128वीं जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और 146वीं जो रिपोर्ट है, माननीय सुषमा स्वराज जी, माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन, जब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया है, माननीय वेंकैया नायडू जी ने जो रिकमेंडेशन किया है, वो ये कहता है कि आप कॉम्प्रेहेंसिव लॉ बनाइए। पूरे के पूरे सीआरपीसी 1973 के बाद से देश में बहुत चेंजेज आ गए, इस देश को नए कानून की आवश्यकता है। आपके होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का विटनेस हो चुका है और आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरी की पूरी सीआरपीसी चेंज होनी चाहिए। और सीआरपीसी क्यों चेंज होनी चाहिए? आपने कानून बनाया दहेज हत्या का, क्या हो रहा है? सारे अखबारों में, न्यूज में, न्यूज रिपोर्ट आप देख लीजिए कि महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं, उस सेक्शन का सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। हम कभी टाडा ले आते हैं, हम कभी पोटा ले आते हैं, हम कभी मकोका ले आते हैं, कोई सरकार गुजकोका ले आती है, आपको जो सूट करता है आप उसको पास होने देते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है आप उसको पास नहीं होने देते। हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल एम्बिशन इसमें पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा यह कहना है कि जब इतना लॉ अमेंड कर सकते हैं, साहबानों का केस होता है आप अमेंड कर लेते हैं। कई एक ऐसे उदाहरण है कि इस पार्लियामेंट ने हमेशा सीआरपीसी को चेंज करने की कोशिश की है। तो मेरा यह कहना है कि आज इस देश में जब हम डायरेक्ट टैक्स कोड ला रहे हैं, मैं स्टैंडिंग कमिटी फाइनेंस का मेंबर हूं, मैं ये जो कॉरपोरेट लॉ है, पूरा कंपनी लॉ हम बदलने की बात कर रहे हैं, हम वैट ला रहे हैं, हम जीएसटी ला रहे हैं, जब हम सारे कानून को बदलने की बात कर रहे हैं तो सीआरपीसी क्यों नहीं चेंज होना चाहिए? और मैं उसको उदाहरण दूंगा कि सीआरपीसी कितनी बड़ी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया तो मैं बड़े फक्र के साथ कहता था कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे दादा के ऊपर, परदादा के ऊपर, नाना के ऊपर, परनाना के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर 107 का भी एक केस नहीं, और आज मेरे ऊपर कम से कम 10 केस। पिछले 14 महीने में मेरे ऊपर 10 केस। और केस कैसे शुरू होता है? चुनाव का दिन था, मेरे नहीं, गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, मैं ये कहता हूं कानून, योर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हेन आई वाज फाइटिंग इलेक्शन दैट वाज योर गवर्नमेंट रूल्ड बाय के शंकर नारायणन, ही वाज योर गवर्नर, नॉट माइन, सो इट वाज योर गवर्नमेंट। क्या हुआ? अब आप देखिए केस क्या होता है, 2008 बूथ है, और उस 2008 बूथ में कैंडिडेट को चुनाव के दिन जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं एक भी बूथ पर विजिट नहीं कर पाया। और आपके पास ये है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी में अमेंडमेंट की क्या आवश्यकता है। केस क्या होता है, मुझे मेरा पोलिंग एजेंट मिलता है और कहता है कि मेरा हाथ तोड़ दिया, आप चलिए मेरे साथ, मैं और मेरी वाइफ दोनों गाड़ी में थे, कोई नहीं था हमारे साथ। हम वहां जाते हैं, चारों तरफ से हमको घेर लिया जाता है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और जिस समाज की बात करते हैं, सेकुलर समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसको अपने कॉन्फिडेंस में रखा है, हमारा कोई भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा का पूरा बूथ मुस्लिम होता है, हमको चारों तरफ से घेर लेती है। सुनिए, बात तो
मुझे और मेरी पत्नी को घेर लिया जाता है और केस ये होता है कि हम बूथ लूटने आए थे और एक आदमी को मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी ने रिवॉल्वर नहीं देखा है कि हमने रिवॉल्वर सटाया और मेरी पत्नी ने गोली दिखाने की कोशिश की और मेरे ऊपर 307 का केस और मेरी पत्नी के ऊपर भी 307 का केस। सबसे पहला केस ये है। दूसरा होता है कि मेरे चुनाव के समय जो मेरे अपोनेंट चुनाव लड़ रहे थे उस गांव में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं मिला लेकिन मुझे मिल गया गलती से जो वोट मिला तो जो इस लड़के ने वोट दिलाया उसके ऊपर 20 केस लादे गए, बम बनाने का, मर्डर करने का, रेप करने का सारा केस जब लगा तो कार्यकर्ताओं ने रोड जाम किया। मैं संयोग से उस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मैं जब क्रॉस कर रहा था तो मैंने कहा यह क्या बात है, तो मैंने जो है पुलिस से पूछा कि यह बताओ कि मेरे चुनाव के पहले इस लड़के के ऊपर कोई केस था, और चूंकि मैंने प्रिविलेज किया हुआ था चिदंबरम साहब और उस प्रिविलेज की कॉपी आपके पास है जो झारखंड पुलिस ने आपको रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट ये कह रहा है कि जो मेरा एलिगेशन था कि उस लड़के के ऊपर मेरे चुनाव लड़ने के पहले एक भी केस नहीं था, उसके बाद उसके ऊपर 20 केस है। पुलिस एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि उसके ऊपर 107 का भी एक केस नहीं था। और मैंने यदि रोड जाम कर दिया, यदि मेरे कार्यकर्ताओं ने रोड जाम किया तो मेरे ऊपर 353 का केस हो गया। मैं गया कोर्ट में बेल कराने के लिए, कहा अरेस्ट कीजिए। मैंने कहा मैं तो लॉ अबाइडिंग पीपल हूं, मेरे ऊपर तो कोई केस नहीं है, मेरे दादा परदादा नाना कभी किसी ने कोर्ट नहीं देखा, मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो कोर्ट गया। तो जब सरकारी वकील ने कहा कि जो एमपी साहब कह रहे हैं ठीक है ये लॉ अबाइडिंग पीपल है, तो जज कहते हैं कि मैं इसको कोर्ट कर दूं कि आप कह रहे हैं कि इनको बेल दे दीजिए 353 में, कहा कोर्ट कर दीजिए, तो मुझे बेल मिल गया। मैं ये कह रहा हूं सीआरपीसी की खामियां कितनी है। इसके बाद मेरे चचेरे भाई का मर्डर हो जाता है, मैंने उसके लिए भी प्रिविलेज किया हुआ है, आपके पास रिपोर्ट आई हुई है। क्या कह रही है पुलिस कि वो शराब पीता था इसीलिए उसका मर्डर हो गया। कल आपने सोहराबुद्दीन के बारे में बहुत अच्छी बात कही, क्रिमिनल कौन है कौन नहीं है ये फैसला कोर्ट करेगी, और यदि क्रिमिनल भी है तो उसको गोली मारने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपकी पुलिस ये कह रही है कि वो दारू पीता था इसलिए उसको मार दी। आपके पास रिपोर्ट है इस पार्लियामेंट के स्पीकर के पास, अध्यक्ष महोदय स्पीकर साहिबा के पास वो रिपोर्ट है और होम मिनिस्ट्री से वो रिपोर्ट आया है और आप देख लीजिएगा। और तीसरा सवाल ये है कि मैंने आपको भी चिट्ठी लिखी थी चिदंबरम साहब, मैंने चिदंबरम साहब इस चीज को सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा कि 20 मर्डर का केस एक क्रिमिनल के ऊपर है और मुझे वो थ्रेट टू लाइफ दे रहा है, तो उसका रिपोर्ट यह आता है, पुलिस यह कहती है कि उसने भी आपके खिलाफ थ्रेट टू लाइफ कहा है, जिसने 20 मर्डर किया है उसका यह जवाब आता है और आपका होम मिनिस्ट्री देता है। इसीलिए सीआरपीसी में इसके आवश्यकता है। आप जब अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल सकते हैं, जब आप अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी बदल सकते हैं गुट निरपेक्षता से, यदि आप अमेरिका परस्त हो सकते हैं, यदि कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात कर सकते हैं, डीटीसी बदल सकते हैं, तो आप सीआरपीसी को पूरा का पूरा रिराइट क्यों नहीं कर सकते हैं? और अभी आप पूरा ग्राम न्यायालय की बात कर रहे हैं, ग्राम न्यायालय बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें से मेरा केवल इतना समाप्त होगा कि जो राजा होता है वो भी एक हेल्पलेस बेबी की तरह पैदा होता है। ये पार्लियामेंट में यदि कभी बना होगा तो वो एक प्लान हुआ होगा, एक स्ट्रक्चर बना होगा। आप इस देश के गृह मंत्री हैं, आपको समय दिया है भगवान ने, और सारे वेद पुराण ये कहते हैं। एडविन एर्नोल्ड का एक कोट मैं कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने लाइट ऑफ एशिया के बारे में लिखा है, लाइट ऑफ एशिया किताब में लिखा है, वी आर द वॉइसेस ऑफ द वांडरिंग विंड That moan for rest, but rest can never find, just as the wind is, so is the mortal life a sigh, a sob, storm and strife. और गीता कहती है नैनं छिद्यति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन् त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा अजर अमर है। और मैं सोचता था कि हिंदू धर्म जो कहता है आत्मा की बात करता है, धर्म की बात करता है, वो ये बात नहीं करता है। वो ये कहता है कि हम आप जब पैदा होते हैं तो इस समाज के लिए कुछ करते हैं, इस देश के लिए कुछ करते हैं,
अकबर के बारे में आप सुन रहे होंगे, बुद्ध के बारे में सुन रहे होंगे, महात्मा गांधी के बारे में सुन रहे होंगे, हमारे आपके पास भी मौका है, आपके पास भी आज मौका है, ऐसा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन मिला है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी 111वीं रिपोर्ट, 128वीं रिपोर्ट, 146वीं रिपोर्ट जो भी कहती है कि नया आप सीआरपीसी करिए, आप कृपा करके नया सीआरपीसी करिए, हम आप